सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ लक्ष्मी, आप सभी। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों को स्वागत है। और इधर सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, यह है स्वीट पोटैटो यानी कि मीठा आलू। आज नाश्ते में यही खाएंगे। हेलीकॉप्टर देखो कहाँ पे है छिपकली। खोई उसका सर दिख रहा है। वो देख ऊपर, देख इरा काट में देख ऊपर ऊपर। टाव को देखिस नहीं है, गिरगिट है। सो हाय गाइस, और इधर मैं आ गई हूँ, नहा के पूजा कर ली हूँ और अभी मैं बाहर आ गई हूँ कंघी करने के लिए, क्योंकि ना मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी कभार घर के अंदर कर लेती हूँ, ज़्यादातर बाहर ही मैं कंघी करती हूँ। और अभी ठंडी का सीज़न आ गया ना, तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और डैंड्रफ होता है, तो डैंड्रफ के कारण हेयर फॉल मेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से बाहर ही आ गई हूँ कंघी करने के लिए। और इधर देखो, दो डक जा रहे हैं। तो चलिए मैं कंघी कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ लक्ष्मी, आप सभी लोगों को मेरा न्यू ब्लॉग में स्वागत है। एंड आप सभी लोग कैसे हो जरूर बताना, और आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल में भी स्वागत है। एंड आप लोगों को पता ही होगा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी थापा। और कैसे हो आप सभी। और मैं जस्ट अभी नहा के पूजा करके आई हूँ, और अब मैं पीऊँगी चाय, थोड़ा सा कंघी भी कर दी बाहर ही, क्यों फिर से हेयर फॉल होने लग गया। ठंडी का दिन है ना, लोगों को दिख रहा है या नहीं दिख रहा, तो ठंडी का दिन में बहुत हेयर फॉल होता है। और अब मैं इधर बना रही हूँ चाय, चाय बना के फिर पीऊँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी दोपहर का खाना। सो गाइस, चाय हो गया है। और इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ मेहंदी का पेड़, देखिए कितना बड़ा हो गया है। और आज का मौसम देखिए कितना क्लीन है और बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। आसमान देखिए पूरा ब्लू दिख रहा है। और इधर सूरज भगवान को दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह आप लोगों को दर्शन नहीं कराई थी, तो अभी दर्शन कर लीजिए, अभी भी सुबह का समय है। और इधर है हनुमान जी का ध्वजा। तो अब मैं बना रही हूँ खाना, दाल तड़का लगा रही हूँ, तो दाल तड़का लगा लेती हूँ। और चावल भी हो गया है, और आज सब्जी में है बरबटी और आलू का सब्जी। तो चलिए फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ। और आज है ट्यूसडे, तो आज के दिन में मीट मच्छी नहीं खाती हूँ। और कल के दिन यानी कि वेनेसडे, ट्यूसडे और वेनेसडे दो दिन में मीट मच्छी नहीं खाती हूँ। तो बस सिंपल सा ही खाना है दोपहर का खाने में। और सब लोग खाते हैं, अपना अपना मर्जी है, घर के लोग खाते हैं, मैं कभी मना नहीं करती हूँ जो मत खाओ, लेकिन उन लोग खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ। ट्यूसडे और वेनेसडे को दो दिन में नहीं खाती हूँ मीट मच्छी। हाँ, और लहसुन प्याज वगैरह चल जाता है, खा लेती हूँ बस। तो ये मेरा ना एक मेरा एक दी है, तो वो कभी कभार मेरे ऊपर हंसती भी है, तो बोलती है तुम निरामिष खाती हो लेकिन लहसुन प्याज खा लेती हो और मीट मच्छी नहीं खाती हो, तो ये क्या मानना हुआ। तो मैं बोलती हूँ घर में चल जाता है ना लहसुन प्याज, तो खा लेती हूँ लेकिन बस मीट मच्छी अंडा वगैरह नॉन वेज में नहीं खाती हूँ बस, और बाकी चीज़ खा लेती हूँ बस, मैं ऐसे ही मानती हूँ। और बात भी है,
तो चलो छोड़ो, अपना अपना नियम है, अपना अपना धर्म है। और इधर ना घर का थोड़ा बहुत राशन लेकर आए थे, तो हम लोग ऐसे करते ना, थोड़ा थोड़ा करके ही लाते हैं, एक ही बार नहीं लाते हैं। और ये खुला आटा हम लोग ज़्यादातर खाते हैं, क्योंकि खुला आटा खाने के बाद ना पैकेट वाला आटा उतना अच्छा नहीं लगता है, तो ज़्यादातर हम लोग खुला आटा ही खाते हैं। और चलो फिर सारे चीज़ों को मैं अच्छे से समेट के रख लेती हूँ, डिब्बे में भर के रख लेती हूँ, और उसके बाद फिर मिलती हूँ। एंड खाना वगैरह सब कुछ हो गया है, खाना बनाने के बाद फिर इधर मैं अपना जो जो चीज़ें था सारे चीज़ें को अच्छे से मैंने डिब्बा में भर लिया है और सेट करके रख दूँगी। और उसके बाद आप लोगों को पता ही है, अपना किचन का साफ सफाई करूँगी। तो चलिए, एंड आज का ब्लॉग आप सभी लोगों को पसंद आते तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा गाइस। और इधर मैं आ गई हूँ पानी लेने के लिए, मेरा बाबू नहाएगा तो उसके लिए पानी लेने आ गई हूँ। और मोटर अभी ठीक हो गया हम लोग का मोटर, फिर भी कभी कभार फटाफट में ना तो मैं हैंडपम्प से ही पानी ले लेती हूँ। और पानी गर्म करने के लिए भी बिठाई हूँ बाबू को, थोड़ा सर्दी जैसा है, खांसी है, तो गर्म पानी करके नहलाती हूँ। तो चलिए फिर बाबू को नहला देती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से। और मेरा ब्लॉग में बने रहिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जितना हो सके शेयर कीजिए। और इधर मैं आ गई हूँ गर्म पानी लेने के लिए, ठंडा पानी तो देकर आई हूँ, अभी गर्म पानी ले जाती हूँ। थोड़ा सा ना गर्म पानी का छींटा मेरा हाथ में गिर गया था। सो गाइस, बाबू नहा लिया था और नहाने से पहले ना वो ना चक्कू से खेल रहा था, तो उसका उंगली थोड़ा सा कट गया है। और वो मुझे बोल रहा है अभी मुझे दवाई लगा दो, तो उसे तो उंगली में दवाई लगा के फिर एक कपड़े से बांध दूंगी, क्योंकि अभी ना बैंडेड है नहीं घर में, क्या बोलते हैं ना जो कट लगने से लगाते हैं वो नहीं है, तो इसी वजह से अभी फटाफट से मैं दवाई लगा के और कपड़े से बांध दूँगी। नहाने से पहले भी की थी, वो कपड़ा गिल्ला हो गया था, उसे हटा दी हूँ, अभी दूसरा वाला पट्टी में लगा दी हूँ। और खाना वगैरह सब कुछ हो गया है और अभी है दोपहर का समय। और इधर मेरा थोड़ा सा सिलाई का काम था, तो मैं सोची चलो कर लेती हूँ अभी, क्योंकि सारा काम हो गया है, सिर्फ बर्तन धोना है, तो ये काम थोड़ा सा अर्जेंट था, तो इसी वजह से सिलाई का काम कर लेती हूँ, बाद में फिर बर्तन धोऊँगी। और ज़्यादातर मैं रात को ही करती हूँ, और अभी ठंडी का मौसम है ना, तो रात को उतना करने को मन नहीं करता है, रात को बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो इसी वजह से अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है। और आज भी बाबू को स्कूल नहीं भेजी हूँ, क्योंकि उसे खांसी बहुत ज़्यादा खांसी है, तो इसी वजह से मेरा जो थोड़ा बहुत सिलाई का काम था मैं कर ली हूँ और अभी जाके ख़त्म हुआ है। और अब मैं पीऊँगी चाय, और मेरा ना गला पूरा बैठ गया है, हल्का हल्का सा गला भी दुख रहा है, दवाई मैं खाई नहीं हूँ, अगर कल तक देखती हूँ, अगर ठीक नहीं हुआ तो दवाई खाऊंगी, मुझे दवाई खाना नहीं पसंद है, पूरा कड़वा सा होता है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, कड़वा हो या मीठा हो, जो दवाई का जो एक अजीब सा स्मेल आता है ना, मुझे एकदम नहीं पसंद, मेरे बाबू को भी नहीं पसंद, वो तो बहुत रोता है, उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है दवाई, और मैं भी नहीं खाई हूँ दवाई, देखती हूँ कल तक अगर ठीक नहीं हुआ तो दवाई ज़रूर खाना पड़ेगा। तो आज थोड़ा सा हल्दी पानी गुनगुना गर्म करके हल्दी पानी पीऊँगी रात को सोने के समय, तो उससे भी ना तो गला ठीक होता है, आवाज़ जो बैठता है दर्द होता है ना वो भी ठीक होता है, तो आज पीऊँगी, अगर आज रात भर में ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर कल खाना पड़ेगा। हल्का हल्का सा दुख भी रहा है, और सर्दी नहीं है लेकिन पता नहीं क्यों गला दुख रहा है, और गला आवाज़ हल्का हल्का सा बैठ गया है। तो चलिए मैं चाय पीती हूँ, और शाम का समय हो गया है, 4:30 हो गया है, और इधर हमारे इधर 4:30 होते होते हल्का हल्का अंधेरा जैसे होने लगता है, पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, अगर आप लोगों को मैं कैमरा से दिखाऊंगी ना बैक कैमरा से, लेकिन पूरा उजाला लगेगा, लेकिन हल्का हल्का सा अंधेरा होने लगा है। तो चलिए पहले चाय पीती हूँ, बाबू भी गया है मार्केट उसके पापा के साथ आएगा, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, सब लोग आएंगे फिर साथ में चाय पियेंगे।
सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। इधर हमारा चाय बन के रेडी हो गया है और एक मिष्टी ली हूँ, एक पेटिस ली हूँ और अभी मैं पीऊँगी चाय, उसके बाद फिर मिलती हूँ। और इधर आज मम्मी जी ने धुआं किया है बकरी लोगों के लिए, और हमेशा मम्मी जी ही करती है, कभी कभार मैं करती हूँ देखभाल, बकरी का देखभाल मम्मी जी ही करती है। और अब हो गया है पूरा शाम का समय और अभी डिनर बनाने का टाइम हो गया है, तो इधर ना चिकन लेकर आए थे तो मैं धो जा के रेडी करके रख दूँगी, मम्मी जी ही बनाएंगी क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, आज मंगलवार है तो इसी वजह से, तो धो धा के तो रख सकती हूँ ना, तो धो के रख दूँगी, मम्मी जी बनाएंगी। चलिए फिर आज का व्लॉग यहीं बयान करती हूँ। व्लॉग पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।